उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिर फाड़ होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। आज मैं अपने भाई को दिखाऊंगा कि मेरे पास मेरी कौन कौन सी किस किस जगह पे जावा के पेड़ लगे हुए हैं। क्लोनी भी दिखाऊंगा और जो भाई से है वो भी दिखाऊंगा, और सारी क्लोनी में दिखाऊंगा कि कैसी है मेरी क्लोनी, जो भाट पेड़ लगाए हैं वो कैसे हैं। तो चले चलते हैं वीडियो के टॉपिक। और अगर भाई किसी कोई भाई मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारी वीडियो को लाइक कर ले, सब बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जब भी नई वीडियो डालोगे नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच जाए। चले चलते हैं वीडियो को टॉपिक की। जी भाई, जिस तरह मैंने व्यूवर्स मैंने आप लोगों को जैसे ही पहले ही बताया था कि यार मेरे जो ऑस्ट्रेलियन की कलोनी है उसके साथ ही मैंने रखे हुए बताया, मैंने जोर था पर कभी मैंने दिखाई नहीं थी। तो ये मेरी जावा की कलोनी है, मैं सारा आपको दिखाता हूँ। और ये पहले बार जी मेरे दो जावा के पेड़ लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये एक आयरन केज है, इसके नीचे मेरे दो जावा के पेड़ लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें व्यूवर्स, ये मेरी जावा के पेड़, दो पेड़ ये हैं, माशाल्लाह बिल्डर पेड़ है मेरे ये, और दो पेड़ एक पेड़ ये है, दो पेड़ हैं टोटल मेरे भाई। और इंशाल्लाह फ्यूचर में जल्दी मैं इनके दूसरे भी यानी कि बढ़ाऊँगा बाहर वाली साइड पे। तो अभी फ़िलहाल ना यही है। तो और बाकी कलोनी है मेरे पास, मैं सारा दिखाता हूँ आपको कि क्या सूरत हाल, क्या सूरत हाल नहीं। इन्होंने माशाल्लाह बच्चे निकाले थे, वो बच्चे मैंने पकड़ लिए थे। और अब इनकी लड़की भी चेक करेंगे कि इनकी लड़की में क्या है क्या नहीं है, और सारा भाइयों के साथ मैं शेयर करूँगा आज। लेकिन ये एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, ये आयरन केज है जिसके बाहर मैंने ये लकड़ी का एक ढांचा सा फ्रेम सा बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखें मेरे पास, ये इस तरह बंद हो जाता है, ये देखें इस तरीके से बंद हो जाता है। बाद में मैं एक हल्की सी ये समझे कि खिड़की नुमा लगाई हुई है कर देता हूँ। और व्यूवर्स, ये मेरा पेयर, ये मेरी कलोनी है। माशाल्लाह बच्चे शच्चे आए हुए हैं मैंने पकड़ने थे वो भी, और मैं भाई के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कहा चलो आज भाई को दिखाते हैं कि यार हमारी कलोनी कैसी है। काफ़ी देर का यार मैंने कहा होगा तो दिखाऊंगा, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, काफ़ी देर हो गई है कि वीडियो भी मैं काफ़ी देर बाद अपलोड करने लगा हूँ। पहले की पिछले दिन एक वीडियो अपलोड की एक दिन पहले और एक आप करने लगा, उसके पहले मैं 13-14 दिनों की वीडियो ही अपलोड नहीं की थी मैंने। ये चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह ये देखें जी, ये मेरी कलोनी है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इनके पास गया ना इन्होंने उड़ जाना मुझे देख के, तो इसलिए मैं ना ज़रा भाई खड़े होकर इनकी बना रहा हूँ वीडियो कि भाई को सब शेयर किया जाए। इसके अंदर मेरे पास ग्रे के पेयर हैं, सिल्वर के पेयर हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ है तो नॉर्मल ही। तो ये कि मैंने इनके इतना फोकस भी नहीं कर रहा था, मैं काफ़ी देर हो गई थी, ज़रा काम में मसरूफ था मैं, बाट में ऐसे पड़े थे। जब गर्मी आई है मैंने सारा यानी कि ना यहाँ से आप देख सको कि मैंने सारा ढांपा हुआ था। तो ये मैं काफ़ी सारे शॉपर वगैरह सब उतार दिया, अभी मेरी पुरानी वीडियो वगैरह में देखा होगा। और साथ साथ मैंने ये केज बनाया था कि मैंने पहले भी शायद तुमने दिखाया कि नहीं दिखाया, इसके ऊपर मेरे ना दो ऊपर एक अल्बिनो का फिश्ती का पेड़ पड़ा हुआ, ये केज बनाया था ज़्यादा मैंने जावा के लिए ही था। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी जावा छोड़ेंगे। तो खैर अभी ये बच्चे वगैरह निकले हुए हैं, बच्चे वगैरह भी मेरे पकड़ने हैं। और जी व्यूवर्स, ये देखें पहले मैं आपको सारा बाइट से ओवरव्यू दिखाऊं अपनी जावा की कलोनी का। ये जी व्यूवर्स देखें, इतनी चौड़ाई है मेरी कलोनी की जी, और ये लंबाई है, और नीचे एक मेरा नीचे के जिसे कहते हैं कि सीढ़ियों के नीचे बना होता है लादा सा, एक यानी कि खुली सी जगह थी ज़रा है वो नीचे आ जाने की तरह बढ़ना जो जावा वो इजी रही थी, यहाँ धूप वगैरह भी आती है। खैर अब धूप में सिर्फ कुछ दिनों के लिए बेहतर है कि बाद में उसके बाद गर्मी हो जानी है। तो ये कि सारा कि मैं यानी कि ना तिरपाल वगैरह डाल दूँगा, आप देख सकें ऊपर तिरपाल है, इसके ऊपर ना सारी तिरपाल आ जाती होती है ऐसे। तो बाकी ये देखें धूप वगैरह सारी आ रही है, सारी ना कवर कर लेती होती धूप। चले मैं आपको अंदर जाकर जरा वाजिया करके दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है कलोनी की। और ये देखें मैंने ना इसके नीचे एक दरवाज़ा रखा हुआ बाहर से दाना पानी करने के लिए। आप लोग सोच रहे हो यार ये भाई दाना पानी कैसे करते हैं, ये एक दरवाज़ा दाना पानी जैसे करता होता हूँ मैं, और जो कि भी अंदर वगैरह कहीं जाना हो तो वो मैं यहाँ अंदर से जाता होता हूँ। मैं भाइयों को दिखाता हूँ साथ। और ये देखें जी ये मेरी स्टिल की कलोनी है, यहाँ जी सामने रैम्बो का चीका आया हुआ नीचे, ये भाई आप देख सकें। और ये साथ साथ ये मेरा जावा की कलोनी का दरवाज़ा है जहाँ से मैं अंदर जाता होता हूँ। चले चलते अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये हम अंदर आ गए हैं जी। ये व्यूवर्स दरवाज़ा है, एक बड़ा दरवाज़ा है। मैंने खैर इसके ऊपर ना पट्टी वगैरह कोई नहीं लगाई, इतना मैंने ना यानी कि वो खूबसूरती वगैरह नहीं की इसके ऊपर मैंने, पर है ये सारा क्या है लकड़ी अच्छी के ऊपर मैंने पन्नी नहीं लगाई क्योंकि अंदर है, मैं अंदर यार ना किसी ने देखना है। और ये साथ साथ एक छोटा दरवाज़ा है कि अगर कभी यहाँ से भी हमें दाना पानी करना पड़ जाए तो हम यहाँ से भी दाना पानी कर सकते हैं। और ये जी ये कुंडी लगी हुई है व्यूवर्स, ठीक है। और मैं आपको ये दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ। ये सामने देखें जी सारे मेरे जावा के पेड़ वगैरह बैठे हुए हैं, अभी चिक्स भी बीच में हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर से क्लियर दिखाने की। चलें जी ये दरवाज़ा पीछे करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये ऐसे खोल जाता है। ये देखें जी बाहर चीड़ के वो पेड़ हैं जो डर रहे हैं मुझसे, एक मिनट की कुंडी सी पड़ी है इसको पीछे कर लेते हैं, इसको यहाँ करते हैं।
ये मैंने एक दिन पहले ही सफाई की है इसकी, मैंने कॉलोनियों की। ये देखें व्यूअर्स, ये जो मैं आपको बाहर से खड़ा होकर दिखा रहा था, यार देखो ये अंदर जरा खुली सी जगह है, ये देखें यहाँ भी जो चिक्स वगैरह निकलते हैं पीछे जाके बैठ जाते हैं, और अक्सर ऑस्ट्रेलियन के भी और जावा के जो पर वगैरह होते हैं ना इधर पीछे चले जाते हैं। और जी व्यूअर्स ये देखें जी ऊपर ये मेरी कॉलोनी है, ये आपको मेरा कैमरा क्लियर करके दिखा सके। ये देखें व्यूअर्स बच्चे वगैरह भी निकले हैं, कुछ बच्चे मैंने पहले पकड़ के मैंने पूरा कुछ चक्कर कर दी हैं और कुछ बच्चे ये हैं। ये देखें जी 100 वाट का बल्ब भी लगा हुआ है। खैर अब तो ये मैं नहीं चला रहा क्योंकि अब मौसम नॉर्मल है, गर्मी हो जाती है, तो ये कि अब मैंने यानी कि दूसरा बल्ब दोबारा लगाना 12 वाट वाला, ये सर्दियों को करके मैं ज़्यादा लगाता होता हूँ। और रहेगी दूसरी वैसी बात के यानी कि अभी जो चल रहा है वो ऑस्ट्रेलियन की कॉलोनी वाले बल्ब चल रहे हैं जो ऊपर लगे हुए हैं, ये आप देख सकें, तो इनसे काफ़ी रोशनी हो जाती है दिन की ना। और ये नीचे मुंजे वगैरह मैंने फेंकी हुई है, कॉलोनी मेरी नॉर्मल है, इतनी बड़ी भी नहीं है, आप कोई एस्टिमेट लगा लें कोई कि नॉर्मल है, इतनी बड़ी नहीं है मेरी कॉलोनी, और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन जा रही मेरी कॉलोनी। ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा पेयर नहीं है, नॉर्मली पेयर है, कोई इसमें ज़्यादातर जाओ ज़्यादातर सिल्वर के पेयर है और कुछ ग्रे के पेयर है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपको भाइयों को इसकी प्रोग्रेस वगैरह भी शेयर करता रहूँगा मैं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बस यही था कि मैं भाइयों के साथ कॉलोनी के वगैरह का दिखाऊंगा यार मेरे पास जावा की कॉलोनी कैसी और किस किस जगह जावा की कॉलोनी मेरे जावा लगी हुई है। इंशाल्लाह मैंने कहा था, मैंने पहले बहुत पहले था कि यार दिखाऊंगा, पर मैंने दिखाई नहीं मसरूफियत की वजह से, वीडियो वगैरह भी नहीं बना रहा था भाई। इंशाल्लाह मैं आपको मतलब कि जो अब न्यू होगा या कुछ चेंजिंग वगैरह मैं करूँगा हर चीज़ से आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा। ये देखें जी व्यूअर्स जी मेरे चिक्स वगैरह भी निकले हुए हैं, देखें काली चुंझे वाले अगर आपको नज़र आ रहे हो, कुछ मैंने पकड़ लिए थे दे दिए थे मैंने, और कुछ ये निकले हुए हैं न्यू, इनको पकड़ना है कि कैरी में चेंज हो रही है बाद में मुझे पता नहीं चलना, तो इनको भी पकड़ूंगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।